प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलो, ये तो ऐसा खुश हो रहा जैसे इसका पापा ऊपर ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेने के लिए चढ़ा है। स्कूल से आते हुए अपने दोस्तों को भी लेके आऊंगा, उन्होंने किसी को ऐसे नहीं देखा है। आप शाम तक उधर ही रहना, हिलना मत। पापा मैं क्या बताऊँ, स्कूल में छुट्टी कर देते। क्यों? अरे पापा थोड़ी अंकल चपरे में चढ़े ना, इसके लिए। तो उसमें छुट्टी क्यों करनी है? अरे स्कूल से ज्यादा यहाँ मजा आएगा पापा। चुपचाप स्कूल में जा, नॉनसेंस। अंकल सुपरमैन लगते हो, नीचे जाओ कैच कर लूंगा। अंकल वो स्पाइडरमैन कूदते हैं ना ऐसे, तो आप वैसे एक छपरे से दूसरे छपरे पर कूद के दिखाओ ना प्लीज। अंकल हमारा बॉल ऊपर गया था, देखो ना है क्या। अरे आओ ना भाई साहब नीचे। सोड़ी तू नीचे आ, अगर छपरा टूट गया ना तुझे भर के चलना पड़ेगा। सोसाइटी के पास पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए। हाँ पहले रोशन को बोल की दरवाजा खोले, तो सीढ़ियों से आऊंगा, वरना कूदूं यहाँ से अभी कूदता हूँ। अरे क्या बचाना चाहिए उसको, क्या पीछे पीछे। अरे रुको रुको रुको, बचाना कैसे, कैच करना क्या। अरे तुम बोला। अरे मैं क्या बोलूं उसको, रोशन भाभी प्लीज सोड़ी भाई को रोक लो ना प्लीज। सॉरी, उसको जो करना है वो करे। अरे रोशन भाभी, सॉरी सॉरी भाई, प्लीज आइए। ए भाई वो रोशन भाभी नहीं मान रहे, आजा आजा नीचे आजा भाई। ओए बस अब मैं नहीं रुक सकता, अब तो यार रोशन ने मना ही कर दिया, अब जीने का कोई फायदा नहीं, अब मैं कूद रहा हूँ यार। ये सोड़ी समझता क्यों नहीं है, अरे पैर वैर फिसल गया तो मुसीबत हो जाएगी। आराम से आराम से। अरे कुछ समझता है कि नहीं, इधर तेरी वजह से बाबूजी को मुसीबत हो गई। समझाओ ना। अरे होने दो मुसीबत यार, मैं नहीं आने वाला नीचे, मैं तो अब कूद के जान दूंगा यहाँ से। अरे भाई सोनी देख, एक मेरे पास आइडिया, मेरी बात सुन। देख एक काम करो, थोड़ा इंटरवल करो, नीचे आओ चाय पानी पियो, फिर तुमको ऊपर वापस चढ़ा देंगे। ओ यार मैं चाय नहीं पीता हूँ। अरे हाँ हाँ तो ठीक है, काम करो नीचे पार्टी कर दे। ओए जेठा प्रा, ये पार्टी की वजह से ही तो छपरे पे हूँ। भाई ये भी नहीं वो भी नहीं, तो करना क्या है तुझे भाई, चाय भी नहीं पीनी है, पार्टी भी नहीं करनी, तो क्या करना है। सुबह सुबह सोड़ी भाई छपरे पे कहाँ चढ़ गए, तो पूरा घर का काम बाकी है। मेरा तो आटा बनना भी बाकी है, गैस पर दूध उबलने रखा था, आधा उबला और गैस बंद करके आना पड़ा। आज तो मैंने सुबह सुबह शॉपिंग जाने का प्लान भी किया था, लेकिन यू नो मेरी काम वाली नहीं आने वाली है, सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। एक तो टाइम नहीं है और ऊपर से ये मुसीबत। तो अरे मैं तो कहती हूँ टीवी सीरियल के स्ट्राइक थे, तब ये सब करना था ना, तब तो टाइम ही टाइम था। और क्या। सोड़ी तू अगर नीचे नहीं आया तो जेठा ऊपर आ जाएगा। ओए कैसे आएगा, मैंने तो अंदर से पहले दरवाजा बंद कर दिया है। सॉरी बेड़े नहीं जा पाऊंगा। ये सोड़ी भाई भी जबरे है, पक्का काम का जोते है हमेशा। सोड़ी भाई प्लीज जल्दी नीचे आ जाओ ना। हाँ इनको लेट हो रहा है, किधर जाना किधर है। मुझको कहीं नहीं जाना है। तो जाओ ना भाई जाओ, कहीं तो जाओ। ओए यारो मैं तब तक नीचे नहीं आने वाला जब तक रोशन मुझे माफ नहीं कर देती।
समझ में आएगा। पहले आप बोलिए। सोनी भाई शांति से बात करते, आप नीचे आइए। हाँ सोनी भाई गुस्सा छोड़ दो, ऐसा मत करो, नीचे आ जाइए अभी। अरे रोशन जी मना लो ना उनको, जो भी है प्लीज नीचे आ जाओ। अब मैं बोलती हूँ, अब कैसा नन्ना मुन्ना बच्चा उसका क्या होगा। अब मैं कूद रहा हूँ रब्बा। You know what? इसकी वजह से ना हमारे हस्बैंड्स को भी गलत लेसन मिल रहा है। कभी इन लोगों ने भी ऐसा किया तो? मेरे ये अगर छपरे पे चढ़ गए ना, तो छपरा उनका वजन झेल ही नहीं पाएगा। अटपू के पापा तो टेबल पर चढ़ते हैं ना, तो भी दो बार गिर जाते हैं। छपरे पर कैसे चढ़ पाएंगे? अरे लो सब्जी वाली आ गई। रोशन भाभी ने सब्जी ऑर्डर की थी ना, सब्जी लेके आई होगी। हाँ चलो सब्जी लेकर ऊपर जाते हैं और इसी बहाने रोशन भाभी को मना भी लेते। अभी इसको नीचे उतारने के लिए क्या करे? मैं एक आइडिया दू। ठीक है बाबा देती हूँ। इनको रस्सी बांध कर खींच लो। किधर? गले में। क्या अभी मारना है कि बचाना है? अरे पैर में रस्सी बांध कर खींच लो। हाँ क्या है, हमारे गांव में एक आदमी कुएं में गिर गया था, तो उसके पैर में रस्सी बांधकर इसी तरह बचा लिया था। चिट्ठालाल सॉरी भाई सॉरी। कौन छे? रोशन जी हम लोग हैं। जल्दी दरवाजा खोलो, हाथ में वजन ज्यादा है। आगो आगो। क्या रोशन भाभी, अब इतना भी लूट के क्या फायदा? हाँ रोशन भाभी मान जाओ ना, अगर सोनी भाई का पैर वैर फिसल गया तो? हाँ फिसलेगा क्यों, वो तो खुद खुद का मारने वाले है ना। नहीं रे नहीं, रोशन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। आई बटू इनू नाटक छे, मैं भी देखती हूँ उसका ये नाटक कब तक चलेगा। क्या रोशन भाभी छोड़ दीजिए ना गुस्से को, और वैसे भी आपके यहाँ पंजाब से मेहमान आने वाले हैं। अरे आखिर घर की इज्जत का सवाल है भाई। राइट। तो ये बात तो रोशन को भी मालूम होनी चाहिए नहीं? अच्छा तो उनको मालूम नहीं है तो हम बता देते हैं। फिर तो आप सोड़ी भाई को घर में आने देंगे ना? हो कुदाए दया भाभी। रोशन भाभी के कहने का मतलब है कि सोड़ी भाई को पीकर तमाशा करने से पहले समझना चाहिए था। हाँ। कोई फायदा नहीं है, रोशन झूठ पे झूठ पे झूठ बोलता है। दो दो बार एक ही फ्रेंड का बर्थडे मनाता है। तो एक बार तारीख के हिसाब से होगा और एक बार तिथि के हिसाब से होगा। राइट। हाँ हाँ रोशन भाभी, और पति पत्नी में तो झगड़ा होता ही रहता है। हाँ एक बार माफ कर दीजिए ना सोड़ी भाई को। अरे नहीं रे नहीं, मैं उसको माफ करने वाली नहीं। आखिर उसके घर वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि उनका पुत्र कैसा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कल तक न्यूज, और देखिए किस तरह से एक पागल दीवाना अपनी पत्नी को मनाने के लिए गरम छपरे पर चढ़कर बैठा है। यही न्यूज सबसे पहले हमारा चैनल आपको दिखा रहा है। रोमियो और जूलियट से भी बड़ी कहानी। आइए पूछते हैं सोसाइटी के मेंबर्स से। जेठालाल जी इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैमरा चालू है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अभी महसूस तो देखो अभी क्या बोलूं मैं, अभी ये दुकान पे जाने का टाइम खोटी हो रहा है तो ऊपर चढ़ के बैठा है, तो जब तक अभी वो नीचे नहीं होता था हम इधर से हिल नहीं सकते। तो महसूस में तो बहुत ऐसे एकदम वो घुटन तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ऐसे बेचैनी हो रही है अंदर। हाँ। अंदर। ओके भीड़े जी आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आप अपनी पत्नी के लिए छपरे पर चढ़ेंगे? अरे ये तो आप बोलो, उधर चढ़ने को तैयार है वो मालिया के ऊपर टंकी के ऊपर, क्योंकि ये क्या है पूरा दिन घर में फ्री बैठे रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप इसकी बात मत मानिए। देखिए मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, दरअसल क्या है कि मैं एक फीट से ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ नहीं सकता। वो तो आज मैं मन की तैयारी करके माला साफ कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि सोड़ी चढ़ा हुआ है। सोड़ी नीचे आ, जल्दी नीचे आ। चाचा जी क्या आप अपनी पत्नी के लिए इस तरह से छपरे पर चढ़ जाएंगे? मेरी पत्नी तो पिछले 22 साल से इससे भी ऊपर गई है भगवान के पास, तू जाने आवे। अरे तुमको क्या अक्ल है, क्या बापूजी को क्या पूछते हैं? ओके देखा भाइयों और बहनों कैसे हैं ये पति, अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकते, और एक वो दीवाना है जो अपनी पत्नी के लिए इतने गरम छपरे पर इतनी ऊंचाई पर चढ़कर बैठा है। आपको क्या लगता है अगर इसकी पत्नी नहीं मानी तो ये इस ऊंचाई से छलांग लगा देगा? आप अपना जवाब हमें भेजिए और टाइप कीजिए वाई अगर आपका जवाब हाँ है, और टाइप
कीजिए एन अगर आपका जवाब नहीं है और भेज दीजिए 5225 पर। और अगर कोई जवाब नहीं देना हो तो भाई और बहनों इसकी बात मत सुनिए और आप अपना जवाब हमें टाइप करके भेजिए। तब तक हम आपको दिखाएंगे ब्रेकिंग न्यूज़। देखते रहिए कल तक। नमस्कार। रोशन भाभी मान भी जाइए ना, अरे मेहमान आने का वक्त हो गया है। हाँ नीचे भीड़ जमा हो गई, पता है सब लोग हंस रहे हैं। हाँ। इनका एक दोस्त है श्याम लाल, सुनने जैसी बात है। श्याम लाल को उसकी बीवी ने छत पर पतंग लाने के लिए भेज दिया और पता नहीं कहां से एक अनपढ़ सर फिरे कौवे ने श्याम लाल को चोंच मार दी। फिर वो छपरे पर से गिर गया। कौन कौवा? नहीं श्याम लाल। हाँ तो ठीक है। एनीवेज श्याम लाल अब जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर से चिपक गया है। बेचारा, अपने बीवी और पतंग दोनों को देखना बंद किया उसने। और सोडी भाई गिरे और केबल का वायर जो टूट गया तो हमारा तो टीवी सीरियल देखना बंद ही हो जाएगा ना। आप लोग मुझे डरा रहे हो ना? एक बात बताओ, रोशन ने पीकर जैसे सोसाइटी में तमाशा किया वैसा आप लोग के पति करते तो बोलो। मैं तो डिवोर्स ही दे देती। और मेरी माँ को तो बहुत बुरा लगता। और मेरा वीरा सुंदर और मैं टप्पू के पापा को ऐसा सबक सिखाते कि उनका मुंह कलिंगर में से नींबू जितना हो जाता। तो फिर मुझे भी रोशन को लेसन सिखाना चाहिए नहीं? लेकिन रोशन भाभी मेहमान जो आ रहे हैं उनसे आप क्या कहेंगे? मैंने तो सोच लिया है, मैं चाचा जी को सब कुछ बता दूंगी। या भाई या सोढ़ी, क्या विचार किया जरा? और कब तक नाटक करने का विचार है तेरा? अरे तेरी वजह से मैं दुकान खोलने तो नहीं जा पाया, अभी दुकान बंद करने तो जाने दे, नीचे उतर ना भाई। ओए नहीं आऊंगा सोढ़ी। सोढ़ी सोढ़ी अभी तू फटाफट नीचे नहीं आए ना तो दो खींच के लगाऊंगा मैं। वो तू मुझे मारेगा? हाँ तुझे मारूंगा। ओए जेठालाल तू रोशन सिंह सोटी को मारेगा? अरे रोशन सिंह हो या फोशन सिंह कोई भी हो दो लगाऊंगा मैं। ओए बहुत बड़ी बात कर दी तूने, आज तो तू गया काम से, ऊपर आ। अरे कौवे की तरह क्या काम कर, ऊपर से नीचे आ, हिम्मत है तो। अबे हिम्मत है तो ऊपर आ। तू नीचे आ। अबे ऊपर आ। नीचे आ। अच्छा है गल है तो मैं आता हूँ नीचे। आए बापू जी आ रहे। ओए जेठालाल तू कितनी भी चाल चल ले, जब तक तेरी बीवी नहीं मानेगी मैं नीचे नहीं आऊंगा। अरे इसमें मेरी बीवी बीच में कहां से आ गई भाई? ओ सॉरी सॉरी यार, मेरी बीवी। हाँ अरे तुम्हारी बीवी अभी वो तो कहां मानने को तैयार। बापूजी ये तो वापस जहाँ थे वहीं आके रुक गए हम लोग, क्या करने का इसका अभी। ए भाई ए, तुझे नीचे नहीं आना है ना तो मत आ। अरे महीने भर ऊपर बैठा रहे, साल भर ऊपर बैठा रहे, खाली गिरना मत आ। ए चलो भाई चलो अपने अपने काम पे, चलो चलो अपने घर पे। ए भिंडी मास्टर उठ। थोड़ी नीचे आ गया? थोड़ी नीचे नहीं आया, तेरा ऊपर जाने का टाइम आ गया है? मतलब अपने घर पे जाना भाई। यार सोड़ी कल सीढ़ी पे चढ़ गया, छपरे पे चढ़ गया, बहुत खर्चा करवाया भाई। चल चल उठ भाई, उठ आई किसका उसको दे दे वापस चलो। सोड़ी भैया, ए सोड़ी भैया, अरे गांव से तेरे मेहमान आ गए हैं, जल्दी नीचे उतर। ओ रोशन, ओ रोशन ऊपर क्या कर रहा है? वो जवाब क्यों नहीं दे रहा, ऊपर क्या कर रहा है? मैं बताती हूँ चाचा जी। ओए पापा जी, जीती रहे जीती रहे। अब बता क्या हुआ चाचा जी? बात ये है कि
अच्छा ओ बेवकूफा चलो तेरा जी चाचा जी आ रहा नीचे आ रहा है भाई वाह 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 पेरी पेना चाचा जी ओ पागला तेरा दिमाग है कि नहीं अपनी चलाता रहता है बहु की मानता नहीं है पतंग के लिए ऊपर चढ़ गया अब पाँव फिसल गया तो ओ चाचा जी गलती होगी सॉरी पतंग भिड़े रोशन भाभी ने देखा क्या गुगली फेंका है वो सोडी क्लेन बॉल्ड भी हो गया और आउट भी नहीं हुआ मतलब कल बताता हूँ आज तो नींद में ओ मैं क्या भाभी जी गोगी पुत्र कहाँ है वो तो स्कूल गया है आते ही होगा आ लो अभी गयो आ जाओ मेरे गोगी पुत्री क्या हाल है तेरा कैसा मेरा बेटा बस जी चाचा जी हाँ जी ए मेरे जिगरी दोस्त है ने ए जेठा परा पिड़े परा ते आई है और वो स्वेटर ही छेगे ने ना वो जेठा परा दे पिताजी चंपक चाचा जी ये नहीं अच्छा चाचा जी सत श्री अकाल जी जीते रहो आज शाम को लोहड़ी है सबको पता है ना हाँ रात को सबको आना है हाँ हाँ पता है रोशन चाचा जी इतनी दूर से आए हैं और ये लोग अगर लोहड़ी मनाने के लिए नहीं आए तो उनको बहुत बुरा लगेगा यार लीजिए रोशन सिंह सोढ़ी जमीन पे आ गए अरे जमीन पे आ गए मतलब अहंकारी नहीं थे छपरे पे चढ़े थे ना आ गए नीचे बहुत मनाया सोसाइटी वालों ने पर नहीं फिर मरिंदर चाचा के आने पर आ गए लगाई थोड़ी सी डांट और जब नीचे आए तो रोशन ने भी बातों ही बातों के अंदर उनकी इज्जत रख ली रिश्तेदारों के सामने सच नहीं बोला कि क्यों चढ़े थे ऊपर सच तो यह है कि सोसाइटी के तमाम लोग सोढ़ी के हंगामे की वजह से नाराज हैं भाई पता नहीं क्या क्या करता रहता है और इधर सोढ़ी के चाचा जी ने सबको इनवाइट कर दिया लोहड़ी बनाने के लिए अरे लोहड़ी हमारे देश की परंपराओं का एक और उत्सव उमंग उल्लास मस्ती धूम धड़ाका नृत्य तमाम चीजें और वो चाहते हैं कि यहाँ सोसाइटी में भी सब लोग मिलकर लोहड़ी मनाएं लेकिन सोढ़ी के दिल का डर भी बिल्कुल सही है सारे लोग हैं नाराज पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे और वो नहीं आए तो कैसे मनेगी लोहड़ी क्या उसकी इज्जत रह जाएगी चाचा जी के सामने क्या हम मनाएंगे लोहड़ी क्या हम करेंगे एंजॉय अब ये सारे सवालों का जवाब तो मैं अभी नहीं दे सकता ना आप भी क्या चाहते हैं सब चीजों का जवाब अभी दे दूं ना ना ना, ना। रुकिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़